हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक में। तो फ्रेंड्स, आज हम यामा RX 100 जो बाइक है हमारी, इसका इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं। तो हम हमारी यामा में जनरली जो इंजन ऑयल है वो सेमी सिंथेटिक यूज़ करते हैं और जिसका ग्रेड 10W30 यह है। आज हम एल्प कंपनी का 10W30 इंजन ऑयल जो है वो हमारी बाइक में डालने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका 800 ml का पैक जो है, ये 800 ml में आता है और इसका जो 800 ml का पैक है वो 388 रुपये का है। तो इस तरह से हम ये इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। और देखिए, अब इंजन ऑयल में डुप्लीकेसी बहुत होती है, तो ये बारकोड के साथ पूरा कंप्लीट, बारकोड के साथ कंप्लीट ओरिजिनलिटी इसकी मेंशन करता है। और ये सेमी सिंथेटिक होने की वजह से हमारे मोटर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, बात यह है कि हम जिसे इंजन ऑयल कहते हैं, जनरली हमें गियर ऑयल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये गियर का ही काम करता है। ये बाइक टू स्ट्रोक होने की वजह से इसे इंजन ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इसे जो हम ऑयल डाल रहे हैं, ये गियर ऑयल के तौर पर ही काम करेगा, जिसे हम इंजन ऑयल बोलते हैं। तो चलिए, इसको हम चेंज करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक 17 नंबर की लगेगी हमें। ये 17 नंबर की जो है, इससे हम इसका इंजन ऑयल का नट खोलते हैं और उससे पूरा ऑयल ड्रेन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो इंजन ऑयल है वो पूरी तरह से काला और ख़राब हो चुका है। लगभग हमने इस इंजन ऑयल को 5000 किलोमीटर तक यूज़ किया है, और इससे पहले हमने हमारी गाड़ी की जो रीडिंग थी वो 5000 किलोमीटर पर ही हमने चेंज किया था। अभी हमारी लगभग 10.5 से 11 हज़ार के करीब बाइक हो चुकी है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपका इंजन ऑयल जो है वो नीचे से लीक रहता है, तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम वाइशर इस नट में आता है। तो ये इंजन ऑयल का जो हमारा 17 नंबर का बोल्ट है, इसमें एक एल्यूमिनियम का वाइशर भी है। तो हाँ, ये एक वाइशर डालने की वजह से हम हमारा इंजन ऑयल का लीकेज रोक सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारी बाइक पूरी ड्रेन हो चुकी है, और नट जो है वो हमेशा सीधा बैठना चाहिए, कभी भी टेढ़ा तिरछा नहीं बैठना चाहिए। इसकी वजह से आपके इंजन के थ्रेड जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा इंजन ऑयल का नट है वो पूरी तरह से अपनी प्रॉपर जगह पे सेट हो गया है। आप इसे नज़दीक से देख भी सकते हैं। तो इस तरह से अभी नट लग चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हम अभी ऑयल दिखा रहे हैं आपको। ये इस तरह से एल्फ के ऑयल की पैकिंग होती है, और ये देखिए, साथ ही साथ ढक्कन में भी अंदर से बारकोड और बारकोड का कोड नंबर दिया गया है। तो इस तरह से अच्छा और ओरिजिनल ऑयल ही यूज़ कीजिए। तो अभी हम ये 800 ml जो ऑयल है, इसमें से 150 ml जो है वो बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि हमें 650 ml ही ऑयल फिल करना है। तो ये हमारे पास नाप है जो लगभग 75 ml का है। तो हम 75 75 दो बार, यानी 150 ml जो ऑयल है वो निकाल कर रख लेते हैं। और एक बात दोस्तों, जब हमने इसका ऑयल लास्ट टाइम चेंज किया था, तो हमने ये जो बचा हुआ ऑयल है इसकी मदद से इसको टॉप अप करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हर 1000 किलोमीटर के बाद इसे टॉप अप करते भी आए हैं। तो अभी हम इसको पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका जो ढक्कन है वो पैक हो जाएगा, और इसका गेज जो है वो कभी भी चेक करते समय ये ध्यान में रखिए कि इसका गैस का एक मार्किंग है, मिनिमम ऑयल जो है, अभी देखिए हमारा यहाँ तक मार्किंग आ रहा है। इसका जो गैस है ये यहाँ तक मार्किंग होना चाहिए आपका, हमेशा यहाँ पर इतने लेवल तक ऑयल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए।
और फ्रेंड्स एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इंजन ऑयल चेंज करें उसके बाद हमेशा इसका एयर फिल्टर जो है वो क्लीन करना है, क्योंकि एयर फिल्टर से ही गाड़ी के इंजन में जो है कार्बोरेटर में डस्ट आता है, तो वो अगर क्लीन रहेगा तो हमारे परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा और माइलेज पर भी फर्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका जो ऑयल फिल्टर है वो निकल गया है अभी, तो हमारा ये एरिया जो है ये काफ़ी क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। अब ये एयर फिल्टर को बाहर निकल के देखते हैं, देखिए ये इसमें इतना डस्ट आ चुका है और ये चोक भी हो चुका है, काफ़ी हद तक इसमें डस्ट जमा है और ये चोक हो गया है। तो इसे एक तो पेट्रोल से साफ करना है या फिर डीजल से, तो हम इसे डीजल से वॉश कर लेते हैं। डीजल की मदद से भी ये अच्छी तरह से क्लीन होता है। हमारा एयर फिल्टर का फॉर्म अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, अगर ये ज़्यादा पुराना और ख़राब हो जाए तो इसे रिप्लेस करना भी ठीक रहता है। ये देखिए इसमें से कितना डस्ट निकल रहा है। इस तरह से जब ये क्लीन हो जाए तो हमारे पास जो सिंथेटिक ऑयल जो थोड़ा बच गया था उसको थोड़ा इसमें डाल दीजिए, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स ऑयल को चिपक चिपक के ये थोड़ा अच्छा वर्क करता है, इसलिए एयर फिल्टर में थोड़ा ऑयल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इसमें ऑयल जो है वो हमेशा क्लीनिंग के बाद लगाना ज़रूरी रहता है, चाहे 4 स्ट्रोक बाइक हो या 2 स्ट्रोक बाइक हो। तो इस तरह से हमारा ये क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है, अभी हम हमारे एयर फिल्टर को फिर से अपनी जगह पर बैठा देते हैं। तो इस तरह से ये अपनी जगह पर फिर से ठीक ठाक बैठ गया है, और इसमें जनरली एक पैकिंग होती है, ये पैकिंग जो है ये बिल्कुल बारीक सीलिंग होती है, तो ये रबर की जिसको गोट बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी डस्ट और गाड़ी का जो ये एयर फिल्टर है वो पूरा पूरी तरह से वैक्यूम की तरह फिटिंग रहता है। देखिए हमारे अंदर कोई भी डस्ट नहीं पहुंचा है, हमारे गाड़ी का पूरा डस्ट जो है वो इस एयर फिल्टर ने रोक लिया है और यहाँ से एयर खींचता है एयर फिल्टर। तो इस तरह से दोस्तों ये हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये एयर फिल्टर का कवर जो है वो फिटिंग हो चुका है, अभी टाइम है हमारे पैनल का। तो इस तरह से हमारा जो ये ऑयल चेंज का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने हमारी बाइक का इंजन ऑयल चेंज किया है, और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर भाइयों ने हमसे बार बार पूछा था कि आप थोड़ा शेयर कीजिए कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, तो हमने आपकी डिमांड पर ही ये इंजन ऑयल भी आपको आज बताया है। तो ये 10W30 ये मोटुल में भी ये ग्रेड अवेलेबल है, आप चाहे तो किसी और कंपनी का भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेड 10W30 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है और लाइफ भी इसकी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इंजन ऑयल चेंज किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप भी अपनी यामा RX 100 बाइक में कौन सा इंजन ऑयल यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, राइड सेफ एंड थैंक यू। जय हिंद।